और मेरी रुचि कानून अचानक विश्वविद्यालय की परीक्षा में, मैं ऑनर्स का विद्यार्थी था, मुझे मेरी सेकंड पोजीशन आ गई तो मैं हिंदी की ओर मुड़ गया और हिंदी की ओर मुड़ गया तो हिंदी में मैं अपने उस दौर में लिखने की ओर मुड़ गया। मैंने अच्छी चीज़ें पढ़ी और मैं अनायास एक तरह से लेखक हो गया। अब ये अनायास लेखक होना बड़ा विचित्र सा लग सकता है, इसकी मेरी कोई अपनी तैयारी नहीं। फिर जब मैं विश्वविद्यालय में आया तो विश्वविद्यालय में मेरे अध्यापकों ने मेरे राजनीतिक रुझान को देख करके उन्होंने मुझसे कहना शुरू किया तुम ये करो। मेरे पहले पुस्तक के लिए मेरे जो मेरे अध्यापक नहीं थे बल्कि वो मेरी पत्नी के अध्यापक थे, उन्होंने कहा कि तुम्हें प्रेमचंद पर एक पुस्तक दो। मुझे सूझा कि प्रेमचंद पर नया क्या लिखा जा सकता है, तो मैंने जो पहली पुस्तक ली थी वह प्रेमचंद एक पुनर्मूल्यांकन। लोग प्रेमचंद के बारे में बहुत सारी बातें कहते हैं, मैंने एक रचनात्मक लेखक के रूप में उसमें प्रवेश किया। इसके बाद मैं धीरे धीरे हिंदी की ओर झुक आया, हिंदी में लिखने लगा और मैं चंडीगढ़ में विद्यार्थी था, वहाँ से दिल्ली चला आया। दिल्ली बहुत बड़ी दुनिया थी और दिल्ली में रहते रहते मैंने बहुत सारे काम किए, अपने चार उपन्यास लिखे जिनमें से एक उपन्यास प्रधानचक जो है उस पर एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म बनी है, उसका नाम है बोक्षु दमित। उस फिल्म में यह है कि मनुष्य की जो है कामना अमरत्व की है, मनुष्य अमर होना चाहता है लेकिन अमर होने के लिए वो क्या करेगा, वो बहुत सारी दिशाओं की ओर भटकता रहता है और उसमें से उसने एक दिशा ज्ञान की दिशा भी चुनी। इस दिशा की ओर जाते हुए वो सोचता शायद ज्ञान से मैं प्राप्त कर सकता, ज्ञान से अमरत्व प्राप्त कर सकता। ये वास्तव में ये एक ऐसा उपन्यास था जो फिर बहुत सारी भाषाओं में प्रकाशित हुआ। 1985 में जब रूस में भारत महोत्सव हुआ उस समय इसका रूसी अनुवाद छपा था। इस तरह से बहुत सारे देशों में इसका प्रकाशन हुआ है, भारतवर्ष में बहुत सारी भाषाओं में इसका प्रकाशन हुआ है, मलयालम में इसका प्रकाशन हुआ है, फिर तमिल में प्रकाशन हुआ है, कन्नड़ में प्रकाशन हुआ है और दूसरी बहुत सारी जुबान में धारावाहिक भी।